सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पोर्टल में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन किए हुए आपको कुछ दिन हो गए हैं और आप जानना चाहते हैं कि नया जो रजिस्ट्रेशन होता है, नया रजिस्ट्रेशन के कितने दिनों बाद आपका स्टेटस दिखता है, कितने दिनों में आपका नया रजिस्ट्रेशन दिखने लग जाता है, तो दोस्तों विद प्रूफ आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे, विद प्रूफ आपको बताएंगे कि कितने दिनों में आपका रजिस्ट्रेशन दिखने लग जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी आपको दबा लेना है। इससे दोस्तों आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं उन सभी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप तक ये सारी जानकारी पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों, सिंपल सा हम इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पे जाके हम अपना स्टेटस देखेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ फार्मर कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बेनिफिशरी स्टेटस आपको दिखा रहा है, बेनिफिशरी स्टेटस आपको यहाँ शो कर रहा है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों बेनिफिशरी स्टेटस आपका जब खुल जाता है इस तरह से, उसके बाद यहाँ आप इस पेज पे पहुँच जाते हैं बेनिफिशरी स्टेटस में नंबर डालने के बाद। और यहाँ आपको दिखा देता हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है उसके कितने दिनों बाद आपका पीएफएमएस रिस्पॉन्ड करता है, तो पहले मैं आपको ये स्टेटस के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन की डेट 16/2/2019 दिख रही है और पीएफएमएस रिस्पॉन्ड डेट 19/2/2019 यहाँ दिख रही है। यानी दोस्तों 16 तारीख को अप्लाई किया था और 19 तारीख को ही रिस्पॉन्ड आ गया। और उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 25 तारीख को पहली किस्त यहाँ आ भी गई। तो दोस्तों ये तो पुराना स्टेटस है, पुराना स्टेटस आप बोलेंगे, पुराना स्टेटस दिखा रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। अब दोस्तों मैं आपको नया स्टेटस भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं नया स्टेटस मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। नया स्टेटस में दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ आपको पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों आप इसमें, आपको बता देता हूँ, अकाउंट नंबर आप इसमें चेक कर लीजिए। अकाउंट नंबर आपने अपना, अगर आप देख रहे हैं तो आपने एक बार अकाउंट नंबर चेक कर लेना है। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की डेट आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन की डेट आप देख रहे हैं 14/11/2019 देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप पीएफएमएस रिस्पॉन्ड की डेट देख रहे हैं 17/11/2019। दोस्तों ये 12वां महीना चल रहा है और ये 11वें महीने की 14 तारीख को अप्लाई किया हुआ है और 17 तारीख को दोस्तों इसका रिस्पॉन्ड आ चुका है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अभी भी इसका अगर आपकी पूरी डिटेल्स सही होती हैं, आवेदन फॉर्म अगर आपका सही है, बिल्कुल सारी जानकारी उसमें सही है, तो आपका जो अभी भी जो रिस्पॉन्ड की जो टाइमिंग होती है, पीएफएमएस की रिस्पॉन्ड की टाइमिंग होती है, उसमें दोस्तों अभी भी क्विक रिस्पॉन्ड उसमें मिलता है, जल्दी से आपका अप्रूव हो जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस स्टेटस में देख रहे हैं। ये कोई मतलब मैं कहीं से आपको बना बनाया नहीं देख बता रहा हूँ, आप खुद से ये देख रहे हैं स्टेटस है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और पीएफएमएस की जो रिस्पॉन्ड डेट है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 17/11/2019 है और यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट 14/11/2019 है। दोस्तों आप देख सकते हैं 14, 15, 16 तीन दिन में बिल्कुल आपका जो है रिस्पॉन्ड यहाँ मिल चुका है। अब दोस्तों आपको इसका मैं कारण बता देता हूँ क्यों इस तरह से रिस्पॉन्ड एकदम क्विकली इसमें मिला है। और साथ ही दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो इनकी जो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है 21/11/2019 को मिल भी चुकी है, यानी आपका 17 को पीएफएमएस ने रिस्पॉन्ड किया और 18, 19, 20 फिर तीसरे ही दिन में इनको पहली किस्त भी मिल चुकी है। तो दोस्तों आपको इसका कारण बता देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट इनको मिल चुकी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट इसमें आरएफटी साइंड बाय स्टेट फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है। आरएफटी का मतलब भी आपको बता देता हूँ, आरएफटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र। आर का मतलब रिक्वेस्ट, एफ का मतलब फंड, टी का मतलब ट्रांसफ़र, रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र बाय, ये साइंड बाय स्टेट फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि रिक्वेस्ट कर ली गई है फंड ट्रांसफ़र की जो सेकंड किस्त है उसके लिए स्टेट को। अब ये स्टेट में उसके बाद वेरीफाई एक बार फिर डिटेल होती है, सही जानकारी है जैसे कि अकाउंट नंबर सही है कि नहीं है और आधार आपका अकाउंट से लिंक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें चेक होती हैं एक बार दोबारा से, और वेरीफाइड होती ही, वैलिडेशन होते ही आपका जो किस्त है मिल जाती है। अब दोस्तों
आप जैसे कि देख रहे हैं 2019 की जो किस्तें हैं आपकी, ये तो इसी महीने इनको ये दूसरी किस्त भी मिल जाएगी, क्योंकि इनकी 2019 की एक भी किस्त इनको नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं 21/11/2019 को पहली किस्त मिली है और आपकी आज 12/6/2019 हो चुकी है। तो दोस्तों इनको जल्द से जल्द इनकी जो है दूसरी किस्त मिल जाएगी और जनवरी से पहले पहले इनको इनकी तीसरी किस्त भी मिल जाएगी। आप ये स्वयं से चेक कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको, अगर आप चाहते हैं आपको भी इसी तरह क्विक रिस्पॉन्ड मिले, तो आपको अप्लाई करते वक्त आपकी पूरी जो जानकारी है वो आपको सही सही डालनी है। सारी जानकारी आपको, आधार नंबर आपको सही डालना है, आधार नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपकी पूरी जो जानकारी है वो आपकी सही होनी चाहिए, अकाउंट नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, IFSC कोड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन जल्दी एक्टिव हो जाता है, उसके बाद आपका जो फार्मर रिकॉर्ड जो PMMS जो चेक करता है फार्मर का रिकॉर्ड, उसके रिस्पॉन्ड में दोस्तों कुछ ही टाइम लगता है, इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कैसे कैसे आपका रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करते ही दोस्तों आप देख रहे हैं 14 से 17 को आपका सीधे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अगर आपकी भी जानकारी बिल्कुल सही है तो आपका भी रजिस्ट्रेशन जो है जल्द ही इसमें हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्ड की डेट आपकी और रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ आप देख रहे हैं, ये तीनों आप खुद से चेक कर सकते हैं, 14/11/2019 और उसके बाद 17/11/2019। और उसके बाद दोस्तों आपको जो तीसरी डेट आप देख सकते हैं 21/11/2019। दोस्तों इन तीनों डेट में कोई अंतर नहीं है और केवल 3-3 दिनों का अंतर है, यानी कि आपका बिल्कुल 9 दिन में अगर आपने अप्लाई किया है तो 10वें दिन आपको पहली किस्त मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आपने जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सही जानकारी अपनी देनी है और बिल्कुल सही जानकारी आपको देनी है। तो दोस्तों ये विद प्रूफ मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपका जो PFMS का रिस्पॉन्ड मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका कितने दिनों में स्टेटस दिखने लग जाता है, वो इस वीडियो में मैंने आपको विद प्रूफ बता दिया है। और अगर आपकी भी कोई समस्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और बताना ज़रूर कि आपको इसमें प्रॉब्लम क्या लगी और आपको इसमें अच्छा क्या लगा। तो दोस्तों इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।